नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर में कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बारिश में भी ग्रामीण इलाकों में किसानों को भारी परेशानी हो रही है, गांव की डिस्पेंसरियां बंद पड़ी हैं और कुपोषण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है और सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देते हुए सूखा घोषित करने और नशे पर अंकुश लगाने की मांग की। देखिए, समय जबरदस्त रूप से ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र जो है क्रमांक 14 विधानसभा, उसमें वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गांव-गांव गए और गांव-गांव जाकर के घूमे। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त इस बार वर्षा की स्थिति के कारण सूखा पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य सूखा तो घोषित कर दिया गया, सूखा राहत राशि किसानों को नहीं वितरित की गई, भीषण पेयजल संकट है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बाकी इन स्थानीय मांगों को लेके और जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जितनी भी वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं सभी विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण की समस्या को लेकर कल्याण सिंह कंसाना और कांग्रेस के सभी जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से जो ज्ञापन दिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, वो ज्ञापन में लिया हुआ है, उनकी जो मांगे हैं ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। तमाम समस्या जैसे रोड की समस्या बता रहे हैं, कई पानी की समस्या है, कई पेंशन की समस्या, कई इशू जैसे बताए उन्होंने, समस्या ऐसी। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।